सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। मैं पवन सिंह आप लोगों के बीच फिर एक नए वीडियो के साथ। और आज हम जा रहे हैं माँ कुंजापुरी के दर्शन करने के लिए। कभी गया नहीं हूँ तो आज माता का बुलावा आया है, तो हम आज माता के दर्शन करने के लिए जाएंगे। हमारा घर का मंदिर और हम जाएंगे कुंजापुरी माता के दर्शन करने के लिए। ये हमारा लोहार रेडी, बच्चे लोग रेडी हो गए और अब हम जा रहे हैं माता कुंजापुरी के दर्शन करने के लिए। अब रेडी हो बेटा चलने के लिए। अंश हम कौन से मंदिर जा रहे हैं, कौन से मंदिर जा रहे हैं? फाइनली हम हो चुके हैं तैयार और 10 बज चुके हैं। और नैन्सी बहुत सरमारी, बहुत साई है और ये देखो पूरी बीड़ी बिगाड़ दी। ये पापा का कभी सपोर्ट नहीं करती है, कभी नहीं। और दो दो अरे देखो मेरा लौंडा बन गया थमराज किल्विस। दोस्तों ये है नरेंद्र नगर। फाइनली हम आ चुके हैं नरेंद्र नगर से काफ़ी आगे और ये देख सकते हैं आप यहाँ पे सड़कें, घुमावदार मोड़, बहुत घूम है यहाँ पे, अंधे बैंड है यहाँ पे, अंधे मोड़ है यहाँ पे सड़कों के। तो देखिए यहाँ की ताजगी शब्दों में बयान नहीं की जा सकती है। यहाँ के पत्थर भी इतने सुंदर है कि देख सकते हो आप, मन मोह लेते हैं। ये देखिए दोस्तों उत्तराखंड की जो खूबसूरती है उसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं, बस यहाँ आके महसूस कर सकते हैं। वो देखिए चोटी में कोई मंदिर, शायद वही कुंजापुरी माता का मंदिर है। दोस्तों देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ से, बहुत ही खूबसूरत गांव, मस्त। तो देखिए दोस्तों ये है उत्तराखंड की खूबसूरत वादियाँ, खूबसूरत नज़ारे, खूबसूरत दृश्य और एक खिली खिली धूप, खूबसूरत धूप, भरपूर मात्रा में विटामिन डी। जय हो सूर्य देवता की, जय हो कुंजापुरी माता की। और फाइनली हम पहुँच चुके हैं कुंजापुरी माता के मंदिर में। जय हो माता दी। कार्ड देंगे फिर इनसे थोड़ा बच के रहना पड़ता है, जब भी आओगे प्रसाद अपना पर्स के अंदर ही रखें छुपा के। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। पूरे पर्वत पे माता जी का डेरा। स्कूटी थोड़ा सावधान से चलाने पड़ता है, बहुत ज़्यादा घुमाव है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। ऊँचे पर्वत पे माता जी का डेरा है। तो दोस्तों फाइनली हम जा रहे हैं अब कुंजापुरी माता के दर्शन करके वापस। बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनोरम दृश्य यहाँ पे आज देखने को मिला। माता के दर्शन करके दिल को बहुत खुशी हुई। आप देख सकते हो दोस्तों सामने कितनी अच्छी पहाड़ियाँ हैं। देखिए आप उधर दिखाइए, थोड़ा बर्फ़ की तरफ करिए, देखिए छोटी में बर्फ़ पड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पे सड़कों के मोड़ छोटे पर्वत बहुत ही सुंदर दिखते हुए, बहुत ही अच्छे लगते हुए देखने का बहुत दिल कर रहा है। दिल कर रहा है कि यहाँ पे थोड़ा रुके बैठे और इनका आनंद लें। दोस्तों उत्तराखंड की जो खूबसूरती है इसे हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं, इसे जानने के लिए हमें यहाँ पे आके इसे महसूस करना होगा। जैसे महसूस हो सकती है यहाँ की खूबसूरती, यहाँ की जा सकती है। अच्छा कितना सुंदर है, ये सड़क जा रही है अब हमारी आगरा खाल के लिए, नरेंद्र नगर के लिए और नरेंद्र नगर से आगे नीचे देहरादून, ऋषिकेश, देहरादून, मधुबन, कहीं भी अगर आप जाना चाहते हो। और अगर आप नीचे से राइट हैंड की तरफ मुड़ोगे तो गंगोत्री, यमुनोत्री, चंबा, उत्तरकाशी, हर जगह आप वहाँ से जा सकते हो। ये बोलते हैं ना कहीं यह है प्रभु की माया, कहीं धूप कहीं छाया, यहाँ पे छाया वहाँ पे धूप। यहाँ पे बहुत ठंडी लग रही है, वहाँ पे जाएंगे फिर हमें सूर्य देव की जो रोशनी मिलेगी, फिर हमें थोड़ा गर्मी का एहसास होगा। आते टाइम काफ़ी ठंडा लग रहा था,
ऐसे सड़क नीलकंठ के लिए भी जाती है, वहाँ भी बहुत सुंदर और मनोरम दृश्य देखने को मिलेंगे आपको। वहाँ चंद्रबंदी के लिए जाती है सिद्धपीठ, वहाँ चंद्रबंदी के लिए भी जाती है, वहाँ भी ऐसे सुंदर और मनोरम दृश्य आपको देखो। आप वो देख सकते हो नीचे, तो मैं रोक के आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा नीचे की सड़क। वो देखिए आप नीचे, ये जो सड़क आ रही है, लोग बाग आ रहे हैं नीचे ऋषिकेश से ऊपर की तरफ। ये देखिए आप छोटे छोटे मंदिर यहाँ पे। और अब हम जा रहे हैं घर की तरफ, माता के दर्शन करके मन को काफ़ी शांति मिली। तो दोस्तों दिल तो करता है मैं आपको रोक के बहुत सी अच्छी अच्छी वादियों के यहाँ पे दर्शन कराऊँ, पर क्या करें, घर भी टाइम पे पहुँचना है। मैं भी स्कूटी चला रहा हूँ और टाइम पे घर पहुँचना है, इसलिए हमारी जो धर्मपत्नी है वो वीडियो बनाने में हमारा सहयोग कर रही है। तो दोस्तों जब भी उत्तराखंड आओगे कृपया गाड़ी बहुत ही सावधानी से चलाएगा, क्योंकि उत्तराखंड में बहुत ही घुमावदार सड़कें हैं, बहुत ही अंधे बैंड हैं। कहते हैं ना कि जब हर अच्छाई के साथ कुछ ना कुछ बुराइयां भी जुड़ी होती हैं, वैसे इन हसीन वादियों में बहुत सारे खतरनाक बैंड हैं, जिससे हम ये पता नहीं कर पाते कि सामने से कितनी गाड़ियाँ आ रही हैं। तो कृपया हर मोड़ पर ये सोच के चलिए कि आगे से दो या तीन गाड़ियाँ आ रही हैं, तब जाके आप अपनी सेफ्टी बना पाओगे, क्योंकि उत्तराखंड में आए दिन बहुत सारे एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो दोस्तों आज मैंने आपको दिखाई उत्तराखंड की खूबसूरत वादियाँ, माता कुंजापुरी, माता का मंदिर। अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। जय माँ कुंजापुरी, जय श्री राम।